रेसिपी नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन यानी घंटे को प्रेस करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं सिंपल तरीके से वेज पुलाव। इस वेज पुलाव में ना तो मैंने कोई अदरक, लहसुन, प्याज किसी का भी यूज़ नहीं किया है, और आप देख सकते हैं इस वेज पुलाव में चावल के दाने हमारे काफ़ी खिले खिले से हैं। तो ये वेज पुलाव आप काफ़ी फटाफट से बना सकते हैं, सुबह के भाग दौड़ में भी आप बना सकते हैं, और किसी भी ओकेजन के लिए तो ये वेज पुलाव काफ़ी परफेक्ट है, बहुत ही टेस्टी है। आप ये देख सकते हैं कि चावल कितने खिले खिले हैं हमारे, एक भी चावल के दाने दूसरे से चिपक नहीं रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं आज इस वेज पुलाव को बनाने की रेसिपी। तो वेज पुलाव बनाने के लिए मैंने एक कप बासमती राइस लिया, इसे मैंने अच्छे से धो लिया था, और इसे हम आधे घंटे के लिए भिगो कर रखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको मसाले दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया एक तेज पत्ता, 5 से 6 लौंग, एक बड़ी इलायची ली है मैंने, और फिर हमने यहाँ पे लिया है 4 छोटी हरी इलायची, और यहाँ पे मैंने लिया है 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 स्टार एनीस यानी कि चक्री फूल, और 1 छोटी चम्मच जीरा, और यहाँ पे साथ ही मैंने कुछ काली मिर्च भी लिए हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में हम 1 बड़ा चम्मच घी डालेंगे और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। जैसे ही घी गर्म हो उसमें हम ये मसाले डाल देंगे, और आपको जीरे को अच्छे से तड़कने देना है। आप देख सकते हैं मसाले हमारे अच्छे से तड़क चुके हैं। तब मैं यहाँ पे अपनी सब्जियाँ डालूँगी। यहाँ पे मैंने लिया 1/4 कप हरे मटर, ये मैंने यहाँ पे फ्रेश मटर को यूज़ किया है। फिर हम इसमें डालेंगे 1/4 कप गाजर, जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था, और 1/4 कप बीन्स, से भी हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया था। और इन सब्जियों को हम 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे हाई फ्लेम पे। और इसी बीच में मैं यहाँ पे 2 टीस्पून नमक डालूंगी, आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, और फिर हम इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो जब 2 मिनट हमारे सब्जियाँ अच्छे से भुन जाए, तो अब हम इसमें डालेंगे हमारे चावल जिसे हमने भिगो के रखा था। आप चावल डालने से पहले चावल के पानी को निठार ले। अब इस चावल को भी हम 2 मिनट के लिए सब्जियों के साथ फ्राई कर लेंगे। आप चावल को चलाते रहे, नहीं तो ये नीचे से लग सकती है और ये बिल्कुल भी अच्छा पुलाव नहीं बनेगा। तो आप देख सकते हैं हमारे चावल ऑलमोस्ट भुन चुके हैं। तो अब मैं इसमें 2 कप पानी डालूंगी, यानी कि जितना हमने बासमती राइस लिया है उसका 2 गुना पानी डालेंगे, और इसे आप तेज आंच पे 1 उबाल आने तक के लिए पकाएं। तो देख सकते हैं आपकी यहाँ पे 1 उबाल आ चुका है। तो अब आप कढ़ाई का ढक्कन लगा दें, और ढक्कन लगाकर हम इसे लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे। और लो फ्लेम पे पकाने के बाद आपको इसे 12 मिनट हो जाने के बाद इसे गैस को ऑफ कर दें, और इसी तरह से ढका रहने दें। अभी खोले ना, 5 मिनट के लिए इसे ढका रहने दें। इससे ये होगा कि हमारे चावल खिले खिले बनेंगे, और अगर चावल में कुछ गुंजाइश होगी तो वो भी पक जाएंगे। 5 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन हटा लेंगे। आप देख सकते हैं चावल काफ़ी खिले खिले से बने हैं। अब इसे आप हल्के हाथों से मिला लें, आप इसे ज़्यादा तेज़ी से ना हिलाएं, नहीं तो ये टूट सकते हैं हमारे चावल। तो हमारा पुलाव बनकर रेडी है फ्रेंड्स। इसे आप किसी सब्जी या किसी दाल के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर ये ऐसे भी अपने आप में काफ़ी अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। तो फिर जल्द ही मिलते एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।